ऐसे कहते हैं चिल लाइफ, मस्त धूप से हाँ जी बाबूजी, क्या रहा चल रहा है? है। मस्त धूप सेक रहा धूप सेक रहा सही। बेटा भी कैसे हो? गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अप शिफ्टर। एंड आज है 16th of January एंड इस पूरा मंथ मैंने वीडियो नहीं बनाई, सॉरी फॉर दैट। मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ किसी वर्क की वजह से, एंड इवन आप देख सकते हो मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ। सो हेलमेट, राइडिंग जैकेट एंड गाड़ी, कार, दिस डजंट मेक एनी सेंस, सो लेट्स मेक द सेंस देन। मैं जस्ट गाड़ी में से अपनी बाइक की चाबी निकालने आया हूँ, ये रही। अरे आना यार, टिश्यू पेपर इतने सारे पड़े हैं। ओके, सो वी ऑफ टू गो। एंड कहाँ जा रहा हूँ मैं वो आपको रास्ते में बताता रहूँगा, चलते हैं। सो मैं हूँ कहाँ पे अभी, मैं अपने रिलेटिव के घर पे हूँ एंड अभी जा कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाइक पे बताता हूँ। बाइक के पास चलते हैं, पहले उसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है, 10-12 दिन से वो ढंग से चला ही भी नहीं है, तो जाके देखते हैं उसे। तो ये रही बाइक मेरी एंड साफ़ सुथरी है एकदम, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉशिंग करवाने वाला रखा हुआ है, वो बात अलग है, मैं चलाता नहीं हूँ उसे। स्टार्ट भी तो नहीं होती एक बारी में आजकल, ये देखो भाई साहब बुढ़ापा। यामाहा वाले कहते हैं कि स्टार्टर इसका एक सेल्फ में हो जाता है, इसको किट की नीड नहीं है। वेल आई कैन सी कितनी नीड है इसे किट की, सॉरी सेंटीमेंट को हर्ट किया मैंने। स्टार्ट हो गई अपने अभी, चलो थोड़ा सा इसको प्री हीट कर दें, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। अब आपको मिलता हूँ सीधा कैमरे में। तो गाइस अंशुल आ गया है हमारे साथ में, पिछली सीट पर बैठा भी आपको दिख नहीं रहा होगा। अंशुल भाई हेलो कर दे, सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद इन्हें। हेलो। तो अंशुल साथ में आ गया हमारे, अभी हम सेक्टर 15 रोहिणी में हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं करोलबाग की तरफ। वहाँ पे हेलमेट ढूंढेंगे कोई बढ़िया सा, सूटेबल सा, स्टाइलिश सा, सेक्सी सा अंशुल के लिए। तो मेरा तो अभी जो है सही है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम अभी हेलमेट यूज़ करना नहीं है। बिग सरप्राइज इज कमिंग सून, कुत्ते बावले हो रहे हैं। सो चलो चलते हैं आगे, एंड साथ ही साथ एवरेज का टेस्ट भी होगा मेरी बाइक का, क्योंकि 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया था बस मैंने इसमें, एंड उसी में लेकर जाएंगे। और 150 रुपये भी नॉर्मल नहीं है, 150 रुपये जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो मतलब कि 1.7 लीटर पेट्रोल है बस बाइक के अंदर। नियर अबाउट 2 लीटर ले लो, क्योंकि थोड़ा बहुत था उसके अंदर पहले भी, तो 2 लीटर पेट्रोल है बाइक के अंदर। एंड लेट्स सी कितनी चलती है इसमें। मैं इंटरलॉक के साइड से आया हूँ एंड इस जगह पे ऐसे आने के एडवांटेजेस ये है कि ये रास्ता छोटा है करोलबाग जाने के लिए, एंड डिसएडवांटेजेस ये है कि इस रोड पे जाम के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो इफ़ यू आर लकी इनफ, अगर आपने सही टाइम स्लॉट पिक किया है यहाँ से आने का, तो आप जो है काफ़ी जल्दी पहुँच जाओगे करोलबाग। और अगर काफ़ी अनलकी हो, काफ़ी ज़्यादा गंदा टाइम स्लॉट चूज़ किया है, तो जितना टाइम नॉर्मल आपको पंजाबी बाग से जाने में लगेगा, उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा यहाँ से जाने में आपको करोल बाग से।
हियर कम्स दी सस्ती BMW GT। वैसे तो बढ़िया ही है बट BMW की कॉपी कर रहे थे होंडा वाले, बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं होंडा सिटी के लिए BMW की। क्या है क्या बात है, दबा के चलान कट रहे दबा के। तो एज वी स्पीक वी हैव रीच्ड करोल बाग, आई मीन तो सर बैक साइड पे करोल बाग की सिटी ज्वेलर के सामने। यहाँ से राइट होना है फिर लेफ्ट होना है एंड विल बी ऑन आवर डेस्टिनेशन। अगर ये भाई संकेत, चलिए जाम को कट करो सीधा वहीं आके मिलते हैं आप लोगों को, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। तो अभी जो है चोपड़ा ऑटोमोबाइल के जो वेयर हाउस है मतलब जो गोडाउन टाइप से, वहाँ जा रहे हैं हेलमेट्स देखने के लिए एंड सॉरी यार ये तार ना बिकी होती है। तो मैं ये कह रहा था पीछे हेलमेट में, हेलमेट एक्चुअली अड़ गया था ऑटो के साथ में इसलिए रुक गया मैं। हेलो डियर अंशुल, तो अभी जो है हम हेलमेट देखने आए हैं, हेलमेट देखते हैं आपको भी दिखाते हैं कौन सा बढ़िया लगता है और उसको फाइनल करते हैं फिर। चलिए चलते हैं। ये हेलमेट भी एक बढ़िया लग रहा है, क्या कहता है भाई अंशुल? बढ़िया भाई, इसमें हर एक चीज बढ़िया, मतलब कर्टन भी है, कुशनिंग भी अच्छी है, पीछे स्पॉइलर भी लगा के देंगे वो यहाँ पे स्पॉइलर सा उस पे, फॉर एग्जांपल स्पॉइलर वो लगा हुआ पीछे वो देख रहे हो। हाँ जैसा ये वेनमस मॉडल है, हाँ जैसे ये वेनमस मॉडल है एंड इसका ये पीछे स्पॉइलर देख सकते हो, ये ज्यादा अच्छा, ये ऐसा अच्छा लग रहा स्पॉइलर, मतलब इसमें आ जाएगा वो भी। तो यहाँ करोल बाग में हमें शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं एंड काफ़ी देर लगा दी भाई ने हमारा सामान लाने में, यानी बाइक को थोड़ा सा काम तो नहीं करा रहा, स्टॉक बना रहा वापस क्योंकि स्टॉक अच्छी लगती है नो डाउट। एंड मीन वाइल को हेडलाइट तोड़ गया लग रहा है, ये देखो खर्चे होते रहते मेरे। तो यहाँ से बस सामान लेके हम घर की तरफ निकल रहे हैं, भाई ने नया हेलमेट ले लिया है, कौन सा लिया है वो आपको कल की राइड पे पता चल जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। एंड आ गया सामान, आ गया जो मुझे चाहिए था। चलिए पे करता हूँ मैं, निकलता हूँ बाइक पे बैठता हूँ, आपको फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो गाइस फाइनली इट्स टाइम फॉर अस टू लीव करोल बाग एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया नहीं था बट कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 6:21 हो रहे हैं एंड दिन ढल गया है, ठंड चालू हो गई है दोबारा, रास्ता अभी लंबा है एंड आगे पुलिस वालों का चेक पोस्ट है। यहाँ से जो है एक हेलमेट लिया है अंशुल के लिए, मैंने अपने लिए एक फेस फुल फेस वाला जो होता है वो लिया है, मास्क जो बोलते हैं या क्या बोलते हो सर, क्या बोलेंगे, कवर बोलेंगे, कपड़ा टाइप का जो होता है वो लिया है मैंने एंड अंशुल ने भी सेम भाई, दोनों ने एक एक लिया है वो। प्लस मैंने भी बाइक के लिए थोड़ा सामान लिया है जो कि मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊँगा मैंने क्या क्या लिया, अभी मैं बता नहीं रहा। वेल ऐसा कुछ ऐसा अनोखा सा काम नहीं किया कोई, बस बाइक का थोड़े बहुत स्पेयर पार्ट लिए हैं, वो मैं अपने आप ही लगाऊंगा तो वो वीडियो में दिखाऊंगा आपको जब भी मैं बनाऊंगा वो वीडियो। चेन टाइट हो रही है बाइक की, चेन स्प्रे करवानी है, चेन टाइट भी हो रही है, हेडलाइट भी टूटी आ रही थी अभी दिखने रही, अब पता चलेगी मेरे को। लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। 2000 years later. 2000 साल बाद और मैं अभी भी इसी ट्रैफिक जाम के अंदर अंशुल के बेसुरे गाने सुनता हुआ। एंड वी मेड इट बैक फाइनली 150 रुपए के पेट्रोल के अंदर
सेक्टर 13 की मार्केट में आया हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या घर की तरफ निकलूँगा मैं। एंड सॉरी बैड लाइटनिंग की वजह से आपको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो छोड़ो मत देखो। तो वह था ठीक है, अंकल को छोड़ दिया है एंड टाइम फॉर मी टू गो टू माई होम। एंड यार बहुत छोटा सा ऐसे ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको हेलमेट अच्छा लगा हो तो इस हेलमेट के लिए एक लाइक कर देना। बाकी ढंग से हेलमेट जो है कैसा लगता है पहन के, कैसे लुक आती है चलाते हुए, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी बाइक राइड होने वाली है संडे वाली, तो मैं आपको शो करूँगा। एंड ट्रैफिक काफ़ी था इसलिए मेरा मन नहीं किया ज़्यादा प्रोफेशनली इसको रिकॉर्ड करूँ मैं ऑडियो वगैरह, इसीलिए पेट्रोल में आराम से घूम के आ रही। एवरेज हो तो ऐसी हो गई बाइक की, और इवन अभी और भी आगे जा सकती है ये, इससे अभी भी सर्विस ही कर रहा है, अभी है इसके अंदर पेट्रोल, इतना मुझे पता है।